हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल विद रिजर्वेशन मैकेनिज्म्स। सो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल विद रिजर्वेशन मैकेनिज्म का जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है दैट इट कैन प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस, एक QoS जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में वो है DPRMA या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। नाउ DPRMA इज अ TDMA बेस्ड स्कीम विच इज अ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस बेस्ड स्कीम एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर PRMA। सो एक्सटेंशन ऑफ PRMA, PRMA कहाँ पे यूज होता था? वायरलेस लैंस के अंदर, तो उसको एक्सटेंड किया गया ताकि आप एडॉक नेटवर्क्स के अंदर भी उसको यूज कर सको। Now in this a channel is divided into fixed and equal sized frames along time axis। तो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर मेरे पास चैनल है let us say, तो उसको हमने क्या किया, equal size के frames के अंदर divide कर दिया। तो let us say मेरे पास ये एक frame है जिसकी length हमारे पास है कुछ, और ये जो frame की length है वो सारे frames के लिए same रहेगी। So this is frame वन फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपके पास फ्रेम टू थ्री एंड फोर भी होंगे। तो पूरे चैनल को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया पहली बात तो। देन ईच फ्रेम इज कंपोज ऑफ एस स्लॉट्स, लेट अस से मेरे पास यहाँ पे स्लॉट नंबर वन है, मतलब फ्रेम्स को फर्दर किस में डिवाइड कर दिया, स्लॉट्स के अंदर। स्लॉट नंबर टू है तो कितने स्लॉट्स होंगे, एस नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, सो स्लॉट एस। देन ईच स्लॉट कंटेन एम मिनी स्लॉट्स, मतलब हर स्लॉट के पास एम नंबर ऑफ मिनी स्लॉट्स हैं। लेट अस से मैं स्लॉट नंबर टू को एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एम मिनी स्लॉट्स हैं फॉर ईच स्लॉट। सो फॉर एग्जाम्पल मिनी स्लॉट वन, मिनी स्लॉट टू कितने होंगे, एम। सो मिनी स्लॉट एम, ठीक है। सो ये हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे कि हर फ्रेम एस नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइडेड है एस, और हर स्लॉट एम नंबर ऑफ मिनी स्लॉट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। तो ये तो हो गया इसका फ्रेम स्ट्रक्चर DPRMA का। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजर्वेशन होती किस से, तो रिजर्वेशन होती है आपके कुछ कंट्रोल पैकेट्स से, और वो कंट्रोल पैकेट्स किस में, हर मिनी स्लॉट के अंदर कुछ कंट्रोल पैकेट्स होते हैं। कौन कौन से हैं, RTSBI, एंड CTSBI, कि हर मिनी स्लॉट्स के अंदर ये पैकेट्स होते हैं। अब देखो RTSBI आपको पता है क्या होता है, रिक्वेस्ट टू सेंड, और CTSBI क्या होता है, क्लियर टू सेंड, और यहाँ पे जो BI का मतलब है दैट इज बिजी इंडिकेटर। तो अब होता क्या है, यहाँ पे जब डेटा हमें भेजना है, और बेसिकली जो DPRMA है इट इज बेस्ट सुटेड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन या वॉइस डेटा ट्रांसमिशन। तो जब डेटा हमें भेजना है तो हमें क्या करना है, हमें मिनी स्लॉट्स को रिजर्व करना है बेसिकली। सो मिनी स्लॉट्स को रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन पैकेट्स को भेजेंगे रिक्वेस्ट टू सेंड बिजी इंडिकेशन। अगर आपका मिनी स्लॉट रिजर्व हो गया तो वो आपको भेज देगा क्लियर टू सेंड बिजी इंडिकेशन, डैट मीन्स आपका मिनी स्लॉट अब रिजर्व है, अब आप उसके ऊपर अपना डेटा भेज सकते हो। सो इस तरह से हम इसके अंदर काम करते हैं। और होता क्या है बेसिकली, होता क्या है, कंटेंशन होती है सबसे पहले मिनी स्लॉट वन के लिए। सो नोड्स हैं, जैसे सपोज नोड है ए, नोड है बी, सो दे विल बोथ विल कंटेंट फॉर मिनी स्लॉट वन। सो कंटेंट फॉर मिनी स्लॉट वन, कंटेंट, कंटेंट मतलब कंपीट, और जिसको भी मिला, सपोज ए को मिल गया मिनी स्लॉट वन, ए विंस, तो अब ए क्या करेगा, इट विल सेंड इट्स डाटा इन द रिमेनिंग एम माइनस वन मिनी स्लॉट्स। ठीक है, सो एम माइनस वन मिनी स्लॉट स्केल में वो अपना डेटा को भेजेगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ DPRMA। अब इसके कुछ
रूल्स हैं, देर आर टू बेसिक रूल्स ऑफ डी पी आर एम ए एंड द रूल्स आर लाइक दिस. नाउ द फर्स्ट रूल इज इफ द नोड इज ट्रांसमिटिंग वॉइस. अगर वॉइस आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो आप मिनी स्लॉट वन के लिए कंटेंशन कर सकते हो विद द प्रोबेबिलिटी वन. ठीक है, मतलब कि अगर किसी नोड को, सपोज नोड ए को वॉइस भेजना है, वॉइस डाटा, तो वो मिनी स्लॉट वन के लिए कंटेंशन कर सकता है विद प्रोबेबिलिटी वन. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसी में रूल दूसरा क्या, अगर डेटा के लिए कर रहा है तो वो करेगा विथ प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल्स टू, और सॉरी लेस देन वन. ठीक है, सो वॉइस के लिए कर रहा है मिनी स्लॉट वन के लिए तो प्रोबेबिलिटी वन है, डेटा के लिए कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी लेस देन वन है. एंड इफ द रिमेनिंग एम माइनस वन स्लॉट्स, एम माइनस वन मिनी स्लॉट्स के लिए कर रहा है चाहे इसके लिए भी कर रहा हो, सो एम माइनस वन के लिए अगर कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी इज लेस देन वन. सो ये तो पहला रूल हो गया. नाउ द सेकेंड रूल इज इफ द कंपीटिंग नोड इज अ वॉइस नोड. अगर वॉइस डेटा हमें भेजना है एंड द चैनल इज कैप्चर्ड देन द सेम मिनी स्लॉट्स एंड द मिनी स्लॉट्स ऑन द सब्सिक्वेंट फ्रेम्स आर एलोकेटेड. सो सेम मिनी स्लॉट्स फ्रॉम सब्सिक्वेंट फ्रेम्स आर एलोकेटेड. ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्रेम्स वॉइस होती है उसका डाटा बहुत सारे फ्रेम्स के अंदर डिवाइडेड होता है, तो अगर इसको मिनी स्लॉट वन मिल गया फॉर फ्रेम वन तो सब्सिक्वेंट फ्रेम्स का भी मिनी स्लॉट वन उसको एलोकेट हो जाएगा. सो दैट इज फॉर वॉइस. जबकि डेटा के लिए करंट मिनी स्लॉट इज ओनली एलोकेटेड. अगर डेटा नोड है तो ओनली द करंट मिनी स्लॉट इज एलोकेटेड. तो ये दो रूल्स हैं डी पी आर एम ए के. सो बेसिकली डी पी आर एम ए में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो इस चीज़ का कि इक्वल साइज्ड के फ्रेम्स होते हैं. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल साइज्ड फ्रेम्स, कि जो चैनल होता है वो इक्वल साइज्ड फ्रेम्स के अंदर डिवाइडेड होता है. हर फ्रेम में एस नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं और हर स्लॉट के एम नंबर ऑफ मिनी स्लॉट्स होते हैं एंड ईच मिनी स्लॉट कंटेन्स दीज कंट्रोल पैकेट्स. सो दीज आर द कंट्रोल पैकेट्स. नाउ द फॉर द ट्रांसमिशन ईच ऑफ द नोड विल कंटेंट फॉर मिनी स्लॉट्स, और उसको अगर मिनी स्लॉट मिल जाता है, मिनी स्लॉट वन मिल जाता है, तो एम माइनस वन मिनी स्लॉट्स के अंदर अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. और उसके बाद हमने दो रूल्स इसके देखे हैं यहाँ पे. सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने डी पी आर एम ए प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.